गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था वह याद होगा। आज आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने सीखा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टूल बार ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? टूल बार इंप्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिससे आप टूल बार को एक शॉर्टकट के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। टूल बार की मदद से आप उन सभी टूल को हाइड और शो कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पेज नंबर से क्या होता है? पेज नंबर की मदद से आप अपनी स्लाइड पर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ग्रिड को इंप्रेस की फाइल से कैसे हाइड करते हैं? ग्रिड को हाइड करने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर ग्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर ग्रिड डिस्प्ले को सिलेक्ट करेंगे, जिससे ग्रिड लाइन हाइड हो जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि हाइपरलिंक का उपयोग क्यों करते हैं? हाइपरलिंक से आप किसी भी फाइल को लिंक के द्वारा उस फाइल का लिंक दे सकते हैं और ओपन करके उपयोग कर सकते हैं। इम्प्रेस की फाइल में किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं? किसी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करना होगा, फिर पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। वहां से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें, इम्प्रेस की फाइल को बताए गए तरीके से ओपन करें। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या आपने अपने फाइल को ओपन कर लिया है? आइए जानते हैं आज की क्लास में क्या सीखेंगे। आज की क्लास में फॉर्मेट मेन्यू के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हाइपरलिंक का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप एक स्लाइड में दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। आइए अब कैरेक्टर सब मेन्यू के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कैरेक्टर सब मेन्यू का उपयोग क्यों करते हैं? पिछली क्लासेस में आपने टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग किया था। कैरेक्टर सब मेन्यू एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से कैरेक्टर सब मेन्यू के फॉन्ट ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर फॉन्ट का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले फॉन्ट का उपयोग करने के लिए आपको अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन पे लेके जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर ऑप्शन के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट पे पहले से ही क्लिक है, तो उसके फॉन्ट के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट नेम है, इससे आप अपने टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रकार के अलग अलग फॉन्ट नेम उपलब्ध हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन टाइपफेस का है, इसके अंदर बोल्ड इटैलिक के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने ओके पे क्लिक किया तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं लाइन को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन पे लेके जाना है, फिर कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद एक बॉक्स आ जाएगा, अब हमें इसकी राइटिंग को चेंज करनी है, तो यहाँ से कोई से भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। कोई से भी फॉन्ट नेम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक फॉन्ट नेम को सिलेक्ट किया और फिर जाके ओके पे क्लिक कर दिया। वह फॉन्ट नेम, उसी फॉन्ट नेम में आपकी जो लाइन है आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। फिर से लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, कैरेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
जैसे करेक्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि अब हमें टाइप फेस में से इटैलिक करना है या बोल्ड करना है, जो भी करना है आप इन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोल्ड को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक दोनों को सिलेक्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो आपकी लाइन है वो इटैलिक और बोल्ड में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो डार्क हो गई है और साथ साथ में इटैलिक भी हो गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अगली लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, कैरेक्टर ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर से बॉक्स आ जाएगा। अब हमें इसके साइज को बदलना है, तो ये साइज के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप किसी भी साइज को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने साइज को सिलेक्ट किया, जो इसका फॉन्ट साइज है वो पहले से कम हो गया। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आइए अब फॉन्ट इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। फॉन्ट इफेक्ट भी कैरेक्टर सब मेन्यू का भाग होता है। फॉन्ट इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि फॉन्ट कलर, आउटलाइन, शेडो, ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि फॉन्ट कलर से क्या होता है? फॉन्ट कलर से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के कलर को बदल सकते हैं। अब आप एक लाइन को सिलेक्ट करें और फॉन्ट कलर को बदलें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से फॉन्ट कलर करना सीखें। फॉन्ट कलर करने के लिए सबसे पहले अपने लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के लिए आप टच पैड या कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे टच पैड के द्वारा लाइन को सिलेक्ट किया जा रहा है। फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, कैरेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। कैरेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर जाके फॉन्ट इफेक्ट को सेलेक्ट करें। यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट है और इसके ऑप्शंस उपलब्ध है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर फॉन्ट कलर का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम फॉन्ट इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फॉन्ट इफेक्ट पे सेलेक्ट करते ही उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आपको उपलब्ध होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने पे अलग अलग प्रकार के कलर आ रहे हैं। जो कलर आपको पसंद है उस कलर को सेलेक्ट कर लें और फिर ओके बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे वह कलर आपके लाइन पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉन्ट कलर का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप आउटलाइन शैडो के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं राइटर में आउटलाइन का उपयोग क्यों करते हैं? राइटर में आउटलाइन के उपयोग से आप सिर्फ टेक्स्ट के आउटलाइन को देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी सॉलिड कलर फिल होके नहीं आता। आइए अब वीडियो को देखें और समझते हैं आउटलाइन से क्या होता है। आइए वीडियो की मदद से आउटलाइन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जिस लाइन पे आपको आउटलाइन लगानी है उस लाइन को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाना है और वहां पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा और फिर अपने पॉइंटर को कैरेक्टर ऑप्शन पे लेके जाएं और लेफ्ट बटन दबा दें। लेफ्ट बटन दबाने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है, क्योंकि आउटलाइन का ऑप्शन फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आता है। आउटलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ उसकी आउटलाइन दिखाई दे रही है। फिर ओके के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद
आपकी लाइन पे आउटलाइन आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई भी कलर भरा हुआ नहीं है। इस प्रकार से आप आउटलाइन का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं शैडो क्या होती है? शैडो से आपकी टेक्स्ट की शैडो आ जाएगी। आइए अब वीडियो को देखकर समझते हैं शैडो से क्या होता है। आइए वीडियो की मदद से शैडो का उपयोग करना सीखें। आप जिस लाइन पे शैडो को लगाना चाहते हैं उस लाइन को सेलेक्ट कर लें पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट किया। फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं। फॉर्मेट मेन्यू पे ले जाने के बाद वहां पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा। कैरेक्टर सब मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें शेडो को लगाना है। शेडो लगाने के लिए शेडो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही शेडो को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेडो आ जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया था उस लाइन का शेडो आ गया होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप शेडो का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं कि ओवरलाइनिंग से क्या होता है? ओवरलाइनिंग से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के ऊपर लाइन लेके आ सकते हैं। ओवरलाइनिंग कई प्रकार की होती है। ओवरलाइनिंग के उपयोग के साथ में ओवरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से ओवरलाइन करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से ओवरलाइन करना सीखें। जिस लाइन पे आपको ओवरलाइन लगाना है पहले उस लाइन को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लाए और वहां पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आया। अब हमें कैरेक्टर सब मेन्यू पे लेके आना है, वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि ओवरलाइनिंग का ऑप्शन फॉन्ट इफेक्ट के अंदर होता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉन्ट इफेक्ट पहले से ही सिलेक्ट है। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप सभी फॉन्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लें। फिर ओवरलाइनिंग पे आप देखेंगे यहाँ पे विदाउट लिखा हुआ है, हमें ओवरलाइनिंग लगाना है तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध है, जैसे कि सिंगल, डबल, बोल्ड, डॉटेड। ये अलग अलग लाइन के प्रकार हैं, आपको जिस तरीके की लाइन चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे डबल लाइन को सिलेक्ट किया और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ओवरलाइनिंग का कलर आ गया है। जब तक आप लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके कलर का ऑप्शन नहीं आएगा। हमने लाइन को सिलेक्ट किया तो इसके कलर का ऑप्शन यहाँ पे इसके कलर का ऑप्शन आ गया। आपको जो कलर लगाना है या जो कलर आपको चाहिए उस कलर को सिलेक्ट कर लें और फिर जाके ओके पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ओके पे क्लिक किया और लाइन और आपके जो आपने लाइन लिखा हुआ था, जो लाइन आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर लाइन आ गई और उसके साथ में कलर भी आ गया। तो इस प्रकार से आप ओवरलाइनिंग का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब स्ट्राइक थ्रू के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का उपयोग क्यों करते हैं? स्ट्राइक थ्रू से आप अपने टेक्स्ट या लाइन के बीच में लाइन ला सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहां पे आपको स्ट्राइक थ्रू लगाना है उस लाइन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पॉइंटर को हमने यहाँ पे लाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद आपको कैरेक्टर सब मेन्यू को सिलेक्ट करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। वहां पे हमने क्लिक किया तो एक बॉक्स आ गया। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही फॉन्ट इफेक्ट सिलेक्ट है, क्योंकि हमें स्ट्राइक थ्रू
लगानी है लाइन पे। यहाँ के इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया तो लाइन के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सिंगल, डबल, डॉटेड। जिस तरीके की आपको लाइन चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट कर ले और ओके पे क्लिक कर दे तो आपके लाइन पे स्ट्राइक थ्रू आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्ट्राइक थ्रू का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब अंडरलाइन करना सीखे। क्या आप बता सकते हैं अंडरलाइन का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं अंडरलाइन से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के नीचे लाइन ला सकते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ के नीचे लाइन हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो को देखकर अंडरलाइन करना सीखे। आइए वीडियो की मदद से अंडरलाइनिंग करना सीखें। अंडरलाइनिंग करने के लिए सबसे पहले जिस लाइन पे आपको अंडरलाइन लगाना है उस लाइन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके गए और वहां पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद हमें करेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। करेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट पहले से ही सिलेक्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइनिंग कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने लाइन को सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे हमने लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे पहले ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया तो बहुत सारे लाइन के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की लाइन के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिंगल, डबल, डॉटेड लाइन, इस प्रकार से। जैसे हमने लाइन को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन कलर का ऑप्शन भी अब शो कर रहा है। आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद जो आपकी लाइन है उसके नीचे लाइन आ जाएगी और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अंडरलाइनिंग और उसके कलर का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग से क्या होता है? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप किसी भी लाइन या पैराग्राफ पर की गई फॉर्मेटिंग को हटा के उसको पहले जैसे कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिखा हुआ है और उसके ऊपर पहले से ही फॉर्मेटिंग की गई है। इसके लिए सबसे पहले जिस लाइन इसके लिए सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे लाइन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स आने के बाद डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पहले जैसे आ जाएगा, उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग की गई थी वह फॉर्मेटिंग हट जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+M का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं पैराग्राफ सब मेन्यू ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? पैराग्राफ सब मेन्यू पैराग्राफ के मार्जिन को सेट करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आपको टाइप करने से पहले कितनी जगह देनी है, टाइप करने के बाद में कितनी जगह छोड़नी है, और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं जो आपके पैराग्राफ के मार्जिन को सेट करने में मदद करते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेन्यू के इंडेंट एंड स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। क्या बता सकते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इंडेंट एंड स्पेसिंग की मदद से
लाइन अथवा पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर इंडेंट एंड स्पेसिंग का उपयोग करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से इंडेंट एंड स्पेसिंग के बारे में सीखें। सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अपने पॉइंटर को पैराग्राफ ऑप्शन पे लेके आएं और लेफ्ट बटन दबा दें। एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेंट एंड स्पेसिंग सेलेक्ट है। यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। उसके आगे दो बटन बने हुए हैं, एक अप और डाउन का। अगर आपको स्पेस देना है तो अप वाले बटन का उपयोग करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 16 कर दिया और फिर जाके ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट से पहले स्पेस आ गया है। फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें और पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब हमें आफ्टर टेक्स्ट स्पेस देना है। आफ्टर टेक्स्ट स्पेस देने के लिए इसके ऑप्शन पे वहां पे क्लिक करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके अब वाले बटन पे क्लिक करें तो स्पेस आ गया वहां पे। और हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे देना है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, जो आपकी जो पहली लाइन है आप वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ उसी में स्पेस आया है, बाकी पहले जैसे ही है। फर्स्ट लाइन में आफ्टर टेक्स्ट के बाद स्पेस आ गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग करना सीख सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा और आपको पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही इंडेंट एंड स्पेसिंग सिलेक्ट है। अब आपको यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। स्पेसिंग के नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अबव पैराग्राफ और बिलो पैराग्राफ। अबव पैराग्राफ से आप पैराग्राफ के ऊपर स्पेस दे सकते हैं। जब आप यहाँ से स्पेस देंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसकी स्पेस को बढ़ाया जा रहा है, इससे क्या होगा, जो पैराग्राफ के ऊपर है वहां स्पेस आ जाएगा और बिलो पैराग्राफ से पैराग्राफ के नीचे से स्पेस आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसके स्पेस को बढ़ाया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट है। लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, लाइन स्पेसिंग से आप अपने लाइन, जो आपने पैराग्राफ में लाइन लिखा है, लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 स्पेस को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर ओके बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ की जो लाइन थी उसके बीच में स्पेस आ गया है। पहले स्पेस कम था, अब स्पेस आप देख सकते हैं कि इसके बीच में स्पेस अब ज्यादा है। इस प्रकार से आप फिर से आप कर्सर को बीच में रखें और एंटर बटन दबा दें। फिर से लाइन को, पूरे पैराग्राफ को फिर से सेलेक्ट कर लें, पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और पैराग्राफ पे सेलेक्ट करें और पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें। फिर से स्पेस दें अबव और बिलो पैराग्राफ में और ओके बटन पे क्लिक कर दें, तो आप बीच में स्पेस देख सकते हैं, पैराग्राफ के अबव और बिलो स्पेस आ गया। इस प्रकार से आप इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेन्यू के अलाइनमेंट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं अलाइनमेंट का उपयोग क्यों करते हैं? अलाइनमेंट का उपयोग आप अपने टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से अलाइनमेंट करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से अलाइनमेंट का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले अपने कर्सर को लाइन के बीच में रखें और एंटर बटन दबा दें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर कर्सर को पहली लाइन के लास्ट में रखें और उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
अब आप सभी फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें और पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि इंडेंट एंड स्पेसिंग, अलाइनमेंट और टैब्स। क्योंकि हम अलाइनमेंट के बारे में सीख रहे हैं तो आप सभी अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे ही अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से ही सिलेक्ट है, हमें राइट अलाइनमेंट लगाना है तो राइट अलाइनमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं जो आपकी लाइन है वह अब राइट अलाइनमेंट में आ गई है, वह राइट साइड में आ गई है। लेफ्ट साइड से हटके वह राइट साइड में आ चुकी है। इस प्रकार से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा और पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फिर से एक बॉक्स आ जाएगा, अलाइनमेंट पहले से यहाँ पे सिलेक्ट है, अब हमें सेंटर में करना है तो सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही जो आपकी लाइन है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये लाइन अब सेंटर अलाइनमेंट में आ चुकी है। इसी प्रकार से आप तीसरी लाइन को, अगली लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया। लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि दिखाया जा रहा है वीडियो में, यह लाइन अभी लेफ्ट अलाइनमेंट इस पे सेलेक्ट है। अब सभी लाइन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा। फिर पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करते ही जो इसके पैराग्राफ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जस्टिफाई करेंगे तो हम जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इससे आप ये देख सकते हैं जो आपकी सारी लाइनें हैं वो एक जैसे आ गई होंगी, ये सारी लेफ्ट साइड में आ चुकी हैं और लेफ्ट और राइट इसकी जो साइड है वो बराबर हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जस्टिफाई अलाइनमेंट इस पे आ जाएंगी। इस प्रकार से आप अलाइनमेंट का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं और लाइन के आगे अलग अलग प्रकार के सिंबल लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स का उपयोग करेंगे। बुलेट से आप हर एक लाइन के आगे बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर आप लाइन के आगे नंबर लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग का उपयोग करेंगे। वीडियो की मदद से बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से बुलेट्स एंड नंबरिंग का उपयोग करना सीखें। बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने कर्सर को पहली लाइन के लास्ट में सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें बुलेट्स लगाना है तो बुलेट्स को सेलेक्ट करें। जैसे ही बुलेट्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के बुलेट्स। आपको जो भी बुलेट्स लगाना है, जो भी पसंद है, इनमें से आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वह बुलेट्स आपकी लाइन के आगे लग जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंटर बटन दबाएंगे तो फिर से वह बुलेट्स अगली लाइन में आ जाएगी। दोबारा से एंटर बटन दबाएंगे, जो आपने बुलेट्स लगाया है वो हट जाएगी। अब अगली लाइन पे अपना कर्सर रखें और फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा। अब हमें नंबर लगाना है, इसके लिए अब नंबर एंड नंबरिंग टाइप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ पे नंबरिंग के अलग अलग टाइप्स उपलब्ध हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
आपको जो भी टाइप चाहिए उस टाइप को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। वह नंबरिंग टाइप आपके लाइन के आगे लग जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करके एंटर बटन दबाएंगे तो दूसरी लाइन पे भी उसी टाइप की नंबरिंग आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको हटाने के लिए या तो बैकस्पेस बटन का यूज कर सकते हैं या फिर से एंटर बटन दबा सकते हैं। अब अगली लाइन पे कर्सर को रखें, वहां पे क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर से फॉर्मेट मेन्यू को सिलेक्ट करें, वहां पे क्लिक कर दें, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब हमें ग्राफिक्स लगाना है तो ग्राफिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक के अलग अलग सिंबल्स उपलब्ध हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स उपलब्ध हैं, जिस टाइप के आपको सिंबल्स चाहिए उसको सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, फिर ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसी स्टाइल का ग्राफिक्स आपके लाइन के आगे लग जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए अगर एंटर बटन का उपयोग करेंगे तो सेम ग्राफिक नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको हटाने के लिए आप बैकस्पेस बटन या फिर से एंटर बटन का उपयोग करेंगे तो वो हट जाएगा। इस प्रकार से आप बुलेट्स, नंबरिंग और ग्राफिक लगा सकते हैं। अब इसको हटाना है तो लाइन के आगे क्लिक करेंगे और बैकस्पेस बटन दबा दें, इससे नंबरिंग हट जाएगी। बुलेट्स को हटाना है, लाइन के आगे क्लिक करें और बैकस्पेस बटन दबा दें। इस प्रकार से आप ग्राफिक्स, नंबरिंग और बुलेट्स, इन तीनों को आप हटा सकते हैं। आइए अब फॉर्मेट मेन्यू के पेज सब मेन्यू के बारे में सीखते हैं। पेज सब मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन पेज का है। सामने दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, यह पेज सब मेन्यू के ऑप्शंस हैं। आइए अब पेपर फॉर्मेट के बारे में सीखें। पेपर फॉर्मेट की मदद से उसके टाइप और उसके बारे में जान सकते हैं। अब आप ओरिएंटेशन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? ओरिएंटेशन उपयोग की मदद से आप अपने पेज की प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी हाइट, विड्थ को बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आप सभी का स्लाइड लैंडस्केप में है, इसीलिए आपकी स्लाइड की विड्थ ज्यादा होगी। अगर आप इसे पोर्ट्रेट कर देंगे तो इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी और विड्थ कम हो जाएगी। आइए वीडियो को देखकर ओरिएंटेशन का उपयोग करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर पेज के बारे में सीखते हैं। पेज के ऑप्शन से आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। पेपर फॉर्मेट, जो आपके स्लाइड का फॉर्मेट है उसको बदल सकते हैं और मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, फिर पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ बाय डिफॉल्ट पेज का ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है। यस, आपका पेपर फॉर्मेट है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में अपने पेज को या अपने स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ A4 को सिलेक्ट किया तो आपकी जो स्लाइड या आपका जो पेज है वो A4 की फॉर्मेट में आ जाएगा। ये विड्थ और हाइट है। अगर आप अपने स्लाइड के या अपने पेज के हाइट को कम या ज्यादा या उसके विड्थ को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ओके पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे जो आपका जो पेपर फॉर्मेट है, आपका जो स्लाइड है, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से आप फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, पेज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। पेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट को फिर से चेंज करके दिखाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फॉर्मेट पे क्लिक करें, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे। हमने स्क्रीन फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, जब आपके जो पेज है वो स्क्रीन के फॉर्मेट में आ जाएगा। ओरिएंटेशन है ये। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन उपलब्ध हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे तो
तो आप देख सकते हैं कि जो आपका जो पेपर है, जो आपका जो स्लाइड है, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। जो आपकी जो स्लाइड की जो हाइट है वो ज्यादा हो जाएगी और विड्थ कम हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में आ गई है। हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक किया और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने ओके के बटन पे क्लिक किया तो ये जो आपकी जो स्लाइड थी वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी हाइट अब ज्यादा है और इसकी विड्थ कम हो गई है। इसको चेंज करना है, फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और लैंडस्केप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही लैंडस्केप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करें, जो आपकी जो स्लाइड है या आपकी जो पेज है वो लैंडस्केप ऑप्शन लैंडस्केप मोड में आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से आप फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब अगला ऑप्शन मार्जिन का आता है। अगर आपको अपने पेज पे मार्जिन देना है तो आप यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। आप कहाँ से मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, अगर लेफ्ट से देना चाहते हैं तो लेफ्ट को से मार्जिन दे सकते हैं, अगर राइट से आप मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप राइट में मार्जिन दे सकते हैं। अगर आपको टॉप से मार्जिन देना है तो आप टॉप से मार्जिन दे सकते हैं। अगर आपको बॉटम से मार्जिन देना है तो आप बॉटम से मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन का मतलब यह है कि आपको कहाँ कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस छोड़ना है। फिर ओके के बटन पे क्लिक किया तो वो मार्जिन आपके पेज पे सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन यहाँ पे है और जो स्लाइड का जो हमने जो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है वो कितना गैप आ गया इसके बीच में। तो इस प्रकार से आप स्लाइड में या पेज में मार्जिन दे सकते हैं। अब आप बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे क्या बता सकते हैं कि पेज बैकग्राउंड से क्या होता है? पेज बैकग्राउंड से आप पेज के पीछे बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं और पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज को लगा सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज के बैकग्राउंड को कैसे बदलते हैं। आइए वीडियो को देखकर पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना सीखें। पेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिल का ऑप्शन आ गया होगा और यहाँ पे अभी नन लिखा है, इसका मतलब अभी हमने इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, कोई भी बैकग्राउंड इसके पीछे नहीं लगा हुआ है। हमें इसका बैकग्राउंड बदलना है। हमने सबसे पहले कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन उपलब्ध हो गए, किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लें जो कलर आपको पसंद है और फिर ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड सेटिंग फॉर ऑल पेजेस का ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब कि आप सभी पेजेस या सभी स्लाइड पे बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं लगाना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया और हमारे स्लाइड पे वह कलर आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अगर आपको फिर से चेंज करना है, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, पेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अभी यहाँ जो फिल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि ग्रेडियंट, कलर, बिट मैप इत्यादि। हमने यहाँ पे ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डिजाइन आ गए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको जिस प्रकार की डिजाइन चाहिए उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लें, जैसे हमने यहाँ पे नाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर ग्रेडियंट 3 लिया, जो भी ऑप्शन पसंद है आप उसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आप सभी पेजेस पे लगाना चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए यस पे क्लिक कर दें, वो चेंजेस आपके सभी पेजेस पे आ जाएगा, वो बैकग्राउंड कलर या वो डिजाइन हर एक स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप फॉर्मेट मेन्यू के चेंज केस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। चेंज केस की मदद से आप
अपने लिखे हुए पैराग्राफ को कैपिटल लोअर केस में कर सकते हैं। आप सेंटेंस केस का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब लोअर केस के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं कि लोअर केस का उपयोग क्यों करते हैं? लोअर केस से आप लाइन या पैराग्राफ के सभी लेटर को स्मॉल लेटर में कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि लोअर केस का उपयोग क्यों करते हैं। आइए वीडियो की मदद से लोअर केस उपयोग करना सीखें। सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आए। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड और टॉगल केस। क्योंकि हमें लोअर केस लगाना है, हमने लोअर केस को सेलेक्ट कर लिया। लोअर केस को सेलेक्ट करते ही जो हमने लाइन सेलेक्ट किया था वो सारे वर्ड स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला ऑप्शन अपर केस का आता है। क्या बता सकते हैं कि अपर केस से क्या होता है? अपर केस से आप लाइन या पैराग्राफ के सभी लेटर को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अपर केस का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से अपर केस का उपयोग करना सीखें। जिस लाइन पे आपको अपर केस लगाना है, सबसे पहले उस लाइन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आए, क्योंकि हमें अपर केस लगाना है तो अपर केस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही अपर केस पे क्लिक करेंगे, जो आपने लाइन सिलेक्ट किया था उस पे अपर केस आ जाएगा। अपर केस से सारे लेटर कैपिटल लेटर में आ जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लेटर अब कैपिटल लेटर में आ गए हैं। इस प्रकार से आप अपर केस का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कैपिटलाइज एवरी वर्ड का है। क्या बता सकते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग क्यों करते हैं? कैपिटलाइज एवरी वर्ड से आप लाइन या पैराग्राफ के हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके आए। जैसे चेंज केस पे लाएंगे, इसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर कैपिटलाइज एवरी वर्ड को सिलेक्ट कर ले। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी लाइन का है जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप कैपिटलाइज एवरी वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टॉगल केस का है। क्या बता सकते हैं कि टॉगल केस का उपयोग क्यों करते हैं? टॉगल केस से आप लाइन या पैराग्राफ के पहले लेटर को स्मॉल लेटर और बाकी सभी लेटर को बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टॉगल केस का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से टॉगल केस का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले आपको जिस लाइन पे टॉगल केस लगाना है उस लाइन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, जैसे
जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस पे लेके जाएं। जैसे चेंज केस पे ले जाएंगे ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर जाके टॉगल केस को सिलेक्ट कर लें। टॉगल केस को सिलेक्ट करते ही टॉगल केस आपकी लाइन पे आ जाएगी। टॉगल केस के अंदर आप देख सकते हैं जो आपका जो पहला लेटर है वो लेटर स्मॉल में आ जाएगा और बाकी सारे लेटर कैपिटल में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन को फिर से सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, चेंज केस पे ले जाएं और टॉगल केस को सिलेक्ट कर लें। तो अब आप देख सकते हैं वो लाइन पहले जैसे आ गई होगी। फिर से टॉगल केस पे क्लिक करें और टॉगल केस आपकी लाइन पे फिर से आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप टॉगल केस का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब सेंटेंस केस के बारे में सीखें। क्या बता सकते हैं कि सेंटेंस केस से क्या होता है? सेंटेंस केस में लाइन का पहला लेटर कैपिटल में होता है, लेकिन आपके पेज में पहले से ही सेंटेंस केस सिलेक्ट होता है। वीडियो को देखकर सेंटेंस केस का अभ्यास करें। आइए वीडियो की मदद से सेंटेंस केस का उपयोग करना सीखें। सेंटेंस केस के लिए सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करें जिस लाइन पे आपको सेंटेंस केस लगाना है। फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। फिर अपने पॉइंटर को चेंज केस ऑप्शन पे लेके आएं। जैसे चेंज केस ऑप्शन पे लाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ गए होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें सेंटेंस केस लगाना है तो हम सेंटेंस केस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सेंटेंस केस आपकी लाइन पे आ जाएगी। सेंटेंस केस में जो आपका पहला लेटर होगा, जो पहला वर्ड है द, उसमें जो पहला लेटर टी लिखा हुआ वो कैपिटल में आ जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप सेंटेंस केस का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में अगला ऑप्शन स्लाइड डिजाइन का है। क्या बता सकते हैं कि स्लाइड डिजाइन का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड डिजाइन से आप स्लाइड को अलग अलग प्रकार की डिजाइन में बदल सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्लाइड के डिजाइन को कैसे बदलते हैं। आइए वीडियो को देखकर स्लाइड के डिजाइन को चेंज करना सीखें। सबसे पहले एक नया स्लाइड को इंसर्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लिया। आप सभी को न्यू स्लाइड लेना आता होगा। अब इसके लेआउट को चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारे पास ब्लैंक लेआउट है क्योंकि अब हमें इसकी डिजाइन को चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद स्लाइड डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही स्लाइड डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका कौन सा डिजाइन सिलेक्ट है। हमारा पहले इस प्रकार का डिजाइन सिलेक्ट है, इसको हमें चेंज करना है। इसके लिए हमने एक्सचेंज बैकग्राउंड पेज को सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद हमने लोड पे क्लिक किया। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, माई टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक किया जो स्लाइड का डिजाइन है वो चेंज हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने ओके के बटन पे क्लिक किया वो स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अपने पॉइंटर को लेआउट्स में लेके जाएं और मास्टर पेज पे क्लिक करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिजाइन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो भी डिजाइन आपको पसंद है उस डिजाइन को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि वीडियो में दिखाया हमने इसको सिलेक्ट किया तो उसी प्रकार की डिजाइन आपकी स्लाइड पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्लाइड पे वह डिजाइन आ गया है। इसको फिर से चेंज करना है, फिर से लेआउट के ऑप्शन पे जाएं जो आपके राइट साइड में है, वहां पे राइट बटन दबा दें तो एक ऑप्शन आ जाएगा
अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्लाइड पे लगाना है, इसीलिए हमने अप्लाई टू एक्टिव स्लाइड को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में जिस स्लाइड को हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी पे चेंज हुआ। इस प्रकार से आप डिजाइन का उपयोग करना सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन लेआउट का है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेआउट से आप स्लाइड के लेआउट को बदल सकते हैं। वीडियो की मदद से स्लाइड के लेआउट को बदल के दिखाएं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड के लेआउट को चेंज करना सीखें। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद स्लाइड लेआउट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। जैसे ही स्लाइड लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड के ऑप्शन, स्लाइड लेआउट के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको जो भी लेआउट पसंद है उस लेआउट को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अगर आपको ब्लैंक लेआउट करना है तो ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लें। टाइटल वाले को सिलेक्ट करना है तो टाइटल वाले को सिलेक्ट करें। टाइटल एंड कंटेंट्स को चाहिए तो टाइटल एंड कंटेंट्स लेआउट को सिलेक्ट करें। जैसे टाइटल एंड कंटेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जहां पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई होंगी। इसको फिर से ठीक करने के लिए बाहर क्लिक करें तो फिर से लेआउट के ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप अपने इम्प्रेस की फाइल को किसी दूसरी जगह पर सेव करके दिखाएं और फिर कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन कर दें। आज की क्लास में आपने फॉर्मेट मेन्यू के कुछ ऑप्शन, जैसे कि कैरेक्टर सब मेन्यू में फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, चेंज केस, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट के बारे में सीखा।